सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय उत्तर प्रदेश की बहुत ही पावन धरती उन्नाव और उन्नाव का वो पावन बुद्ध विहार जिसका नाम है, बताइए, सम्राट अशोक शांति उपवन बुद्ध विहार। सम्राट अशोक शांति उपवन बुद्ध विहार में आया हूँ और यहाँ के जितने भी जिंदा लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध को, बाबा साहब को, सम्राट अशोक को समझा है, जाना है, माना है, आज हमने उनके बीच में आकर 9 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन की जानकारी दी। इन लोगों में बहुत ही खुशी हुई और खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने अपने वाहनों से, बसों से और ट्रेनों से आएंगे और कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक सुर में कहें, लखनऊ चलेंगे, लखनऊ चलेंगे, हम सब लोग लखनऊ चलेंगे, हम सब लोग लखनऊ चलेंगे, 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे, 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। देखिए, सभी लोगों में खुशी है और मैं अपील करता हूं कि जहां जहां भी आप रहते हैं, अगर थोड़ा भी आप बुद्ध को समझ पाए हैं, बहुजन आंदोलन को समझ पाए हैं, बाबा साहब को समझ पाए हैं और सम्राट अशोक की क्रांति का बीज थोड़ा भी अगर आपके घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, शहर में आया है, तो आप सभी लोग 9 अक्टूबर को आइए। ये 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हो रहा है जिसमें कई देशों से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत के विद्वान आ रहे हैं, सभी स्टेटों से हजारों लोग आ रहे हैं। माननीय कांशीराम स्मृति उपवन में ये ऐतिहासिक समारोह हो रहा है, आप सभी लोग आए और हम सब लोग मिलकर भारत को बौद्धमय बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को बौद्धमय बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हम सभी लोग आएंगे। एक बार बोलिए, हम लोग आएंगे, आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनविटेशन कार्ड भी है, नमो बुद्धाय, सभी लोगों के पास इनविटेशन कार्ड भी है और ये कार्ड, ये लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोग कार्ड लगभग 500 की संख्या में घर घर जाकर के बांटेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लखनऊ 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।